आज का यूथ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। कोई भी यूथ ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे अनेक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल ना हो, और ऐसे में हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उसको जरूरी है कि वो अपनी सेफ्टी खुद रखे, और उसके लिए बड़े छोटे छोटे उसको उपाय करने हैं या सावधानियां रखनी है, उनके चलते इन चीजों से बचा जा सकता है। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस किसी का भी नेट पे अपनी अवेलेबिलिटी है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो कोई मेल अकाउंट्स हो, चाहे वो बैंकिंग अकाउंट्स हो, चाहे अनेक सोशल मीडिया के जो कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो, उन पे जो आपकी यूजर आईडी है, पासवर्ड है, यूपीआई कोड है, इन सबको समय समय पे बदलते रहें, पिन है उनको बदलते रहें। और मैं चीजों में हमने देखा है कि कई बार एक काफी लोग क्या करते हैं, अपनी जो पिन है वो फोन बुक में भी सेव कर लेते हैं, तो इससे बिल्कुल बचा जावे। पहला तो मैं जो बता रहा था कि इसको बदलते रहें, बदलने का ये मेरा सुझाव रहेगा कि विद इन 3 मंथ्स अगर आप यूजर आईडी जो आपकी बनी हुई है, उसका जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है, उसको विद इन 3 मंथ्स आप चेंज करते रहिए, क्योंकि हमारे पास अनेक साइबर एक्सपर्ट्स हैं जिनका इस तरह का फीडबैक आता है, और वो आके हमें प्रूव कर देते हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपने अगर अपना पासवर्ड नहीं बदला, तो 3 महीने के भीतर वो क्रैक कर लेते हैं आपका, और आपका पासवर्ड आपके सामने रखते हैं, आपके बैंक का पासवर्ड बता देते हैं, वो आपके मेल आईडी का पासवर्ड बता देते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप 3 महीने में उसको बदलते रहें। साथ ही साथ, क्योंकि आपका जो फोन है वो इंटरनेट के जमाने में नेट से जुड़ा हुआ है, तो फोन में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखें जो कि कोई फ्रॉडस्टर जो है उसको चुरा सके। आप कोई भी पिन नंबर, पासवर्ड, ये आप अपने फोन में कहीं भी किसी भी फाइल में स्टोर मत करिए, क्योंकि वो अगर आपके फोन में स्टोर किया हुआ है पिन या पासवर्ड, तो वो अगेन वल्नरेबल हो जाता है, उसको कोई भी चुरा सकता है। और बैंक तो आजकल वैसे ही हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको फोर्स करता है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा पासवर्ड सिक्योर भी नहीं होता है। तो ऐसे में कोशिश यही करें कि 3 महीने में वो बदलते रहें। साथ ही साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ध्यान रखें कि वर्चुअल की बोर्ड का यूज करें, अदरवाइज क्या होता है, हम अपने लैपटॉप या फोन से की या हमारे कंप्यूटर की कीबोर्ड को यूज करते हुए अगर हम पासवर्ड यूज करते हैं, तो उसको भी दूर बैठा फ्रॉडस्टर उसको भी रीड करके आपके पासवर्ड चुरा सकता है। इनकी सावधानी रखो, पहुंचा और अपना मोबाइल नंबर तो, और कभी भी अक्सर गलती कर देते हैं कि हम हमारा पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर रख लेते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, हमारे परिवारजन के नाम से रख लेते हैं, तो इन चीजों से बचा जाए। कभी भी अपना गलती से भी अपना खुद का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनको कभी भी आप अपने पासवर्ड के रूप में यूज ना करें। ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में एक आजकल नया फ्रॉड जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक ने जो रिसेंटली जो इश्यू कर रहे हैं, उसके साथ आपको ये चॉइस देते हैं कि आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनली आपको एक लिमिट देते हैं, जो कहीं भी किसी भी कंट्री से उसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, और ज्यादातर यूजर्स ऐसे हैं जो उस इंटरनेशनल लिमिट को या इंटरनेशनली उस कार्ड को कभी यूज करते नहीं, तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप बैंक में जाके अपना जो कार्ड के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जो लिमिट दी हुई है उसको आप बंद करा देवें अगर आप यूज नहीं करते हैं तो। अदरवाइज ये पूरे चांसेस रहते हैं कि दूसरे कंट्री में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके कार्ड की डिटेल के आधार पर दूसरे कंट्री में बैठ करके आपके बैंक में जो भी पैसा है उसको वो विड्रॉ कर सकता है। और ये कुछ इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब कंट्री में ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए आपको सीवीवी नंबर या पिन मांगी जाती है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं तो पिन नंबर भी नहीं मांगा जाता है, केवल आपके कार्ड के आधार पर ही हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे एडवाइस है कि हम अपना जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो बैंक को बोल के बंद ही करवा दें कि हमारे कार्ड से कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना हो अगर हमें जरूरत नहीं है तो। और जब कभी भी आपको जरूरत हो, आप इंटरनेशनल कोई टूर पे जाते हैं, उस वक्त उसको आप चालू करा सकते हैं, अदरवाइज उसको बंद रखना ही उचित है। कभी भी आप किसी भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, तो उसमें बचाव ही उपाय है। और कुछ बैंक जैसे HDFC हैं, अदर बैंक है, तो आजकल ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप अपने पर ट्रांजेक्शन की लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस लिमिट को आप नेट बैंकिंग के मार्फत फिक्स मत करिए, आप बैंक में जाकर के इसको करा लीजिए, तो उसमें और भी फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजकल हर इंसान नेट बैंकिंग यूज करता ही है, तो बैंक में जाके इजीली करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल।